नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इंटरव्यू डिफेंस पे। मैं लेके हाजिर हूँ आज का डिफेंस डिस्कशन का एपिसोड 29। और इस एपिसोड में बात करने वाले हैं अमेरिकन फाइटर F-35 के बारे में, और जानेंगे कि F-35 को लेके इतना क्रिटिसिज्म क्यों है, क्या ये क्रिटिसिज्म सही है और किस हद तक सही है, और ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इस फाइटर्स को बाकी के एयरक्राफ्ट से काफ़ी डिस्टिंक्टिव बनाते हैं, और इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस के लिहाज से कितना कॉम्पैटिबल हो सकता है F-35 अगर IAF इन फ्यूचर प्लान करती है इसको प्रोक्योर करने के लिए। तो वैसे तो इस फाइटर जेट को लेके इंटरनेट और वेब पोर्टल पे काफ़ी नेगेटिव रिव्यू है, लेकिन इस वीडियो में हम जो भी पॉजिटिव्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो आइए डाल लेते हैं एक नज़र वीडियो के स्पॉन्सर्स पे। With the new VIP scan app, you no longer need to pay for your calls. You will immediately receive a welcome bonus to your account. If the balance is over, you will be offered to watch the video and will be credited for that viewing in bonus minutes. Call anywhere in the world on landline phone or any operator at a fixed price. The average expense of subscribers VIP scan app per month is $1.50, so it is profitable. And one more thing, call and chat inside the application is completely free like any other messenger. So you can download this interesting app by clicking on the link in the description of the video. तो जैसा कि आप सब जानते होंगे F-35 जिसे बनाया है अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने, और ये एक सिंगल सीट सिंगल इंजन ऑल वेदर स्टिल्थ मल्टी रोल फाइटर है जो कि एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर है। और इसका जो स्पेसिफिक टास्क है जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया था वो ग्राउंड अटैक और एयर सुपीरियरिटी के लिए इसे बनाया गया था। और इसके अभी तीन वेरियंट बनाए गए हैं F-35A, B और C, जिसमें से F-35A है वो एक कन्वेंशनल टेकऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट है, वहीं पे F-35B शॉर्ट टेकऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाला एयरक्राफ्ट है, जबकि इसका एक फोर्थ वेरिएंट है जो कि एक कस्टमाइज्ड टेलर मेड वेरिएंट है जो कि अभी इजराइल यूज कर रहा है। तो अभी यहाँ पे F-35 के ऊपर ये डिस्कशन करने का यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि इस एयरक्राफ्ट को लेके काफी क्रिटिसिज्म देखा गया है, लेकिन हम यहाँ पे क्रिटिसिज्म को छोड़ के एक पॉजिटिविटी देखने वाले हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का दूसरा मोटिव ये है कि हाल ही में इसने अपना पहला सक्सेसफुल मिशन ग्राउंड अटैक का पूरा किया है इराक में, जिसके लिए इसे स्पेसिफिकली डेवलप किया गया था। तो बात कर लेते हैं इस जॉइंट स्ट्राइक फाइटर की। तो इसे जॉइंट स्ट्राइक फाइटर इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसमें कई सारी कंट्रियों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया था कि वो अपने पुराने फाइटर्स और स्ट्राइक फाइटर्स है उनको रिप्लेस करके एक स्पेसिफिकली ग्राउंड अटैक फाइटर डेवलप करेंगे। और उन कंट्रियों में टर्की, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड जैसे कुछ एलाई कंट्रिया शामिल है। और इस कंपटीशन में बहुत सारी फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो कि US बेस्ड थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने डिजाइन सामने लाए, जिसमें से F-35 को सेलेक्ट किया गया जिसे लॉकहीड मार्टिन ने डिजाइन किया था, और उससे ही F-35 लाइटनिंग 2 डेवलप किया गया। लेकिन अब इंडिया को लेके किसी भी प्रकार का ना कोई इसमें इंटरेस्ट है ना ही US की तरफ से कोई प्रपोजल है। तो अभी F-35 का इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाल ही में आए एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लॉकहीड मार्टिन का ये मानना था कि वो आने वाले दिनों में F-35 की प्राइसिंग तकरीबन $80 मिलियन करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं अगर कोई कंट्री इसे बिग अमाउंट में खरीदती है तो इसकी जो प्राइसिंग है वो और डाउन आ जाएगी। तो इस चीज को देखते हुए ये एक इंटरेस्ट बन सकता है इंडिया के लिए भी इन फ्यूचर, लेकिन अभी ऐसा कोई इंटरेस्ट IAF की तरफ से भी नहीं है। तो आइए इस एयरक्राफ्ट के ऊपर किए गए क्रिटिसिज्म को थोड़ा नजदीक से जानते हैं। पहले ये जानेंगे कि इंडिया स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए कितना कारगर है या फिर कितना कारगर नहीं है ये फाइटर जेट। तो सबसे पहले बात आती है इसके इंजन की। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये एक सिंगल इंजन फाइटर है जो कि इंडिया की रिक्वायरमेंट को कहीं ना कहीं डाउन प्ले करती है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। लेकिन इस पॉइंट पे मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसका जो सिंगल इंजन है जिसे डेवलप किया है प्रैट एंड व्हिटनी ने, और इस इंजन को नाम दिया गया है F-135, और ये दुनिया में सिंगल इंजन फाइटर के लिहाज से सबसे पावरफुल इंजन है जो कि अपने ड्राई थ्रस्ट में डेवलप करता है 125 किलो न्यूटन और अपने आफ्टर बर्निंग स्टेट में डेवलप करता है 191 किलो न्यूटन, जो कि कहीं ज्यादा है किसी भी डबल इंजन फाइटर के थ्रस्ट रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी से, चाहे वो राफेल फाइटर जेट ही क्यों ना हो। राफेल के दो इंजन मिला के अपने ड्राई स्टेट में 105 किलो न्यूटन थ्रस्ट डेवलप करते हैं, अपने वेट स्टेट में या फिर अपने आफ्टर बर्निंग स्टेट में जो राफेल का थ्रस्ट प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं F-35 के सिंगल इंजन से भी नीचे है। तो यहाँ पे पावर कैपेसिटी की आप बात करो, पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो उस लिहाज से F-35 का इंजन काफी सुपीरियर है, तो यहाँ पे थ्रस्ट की तो कमी है नहीं। बात करते हैं इसके इंडिया स्पेसिफिक मिशंस की। तो अगर इंडिया कोई ऑफेंसिव मिशन करता है, वैसे इंडिया ने कभी भी किसी भी कंट्री पे कोई ऑफेंसिव मिशन नहीं किया है, लेकिन बालाकोट जैसे मिशंस को परफॉर्म करने के लिए वहां पे कोई स्टेल्थ फाइटर का होना काफी आवश्यक है क्योंकि आने वाले दिनों में रडार टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होने वाली है। तो उन सब चीजों को देखते हुए और हमारे नेबर्स को देखते हुए एक स्टेल्थ फाइटर कोई भी ऑफेंसिव मिशन आसानी से कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरह के मिशंस को लेके पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शेयर किए जाने वाले जो टेरेंस है उन टेरेंस में F-35 बखूबी परफॉर्म कर सकता है। जहां तक बात है इंडिया और चाइना के दरमियान F-35 के यूज की, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा F-35 की सर्विस सीलिंग राफेल से ऊपर है जो कि 15,240 मीटर की है, और इतनी सर्विस सीलिंग सफिशियंट है हिमालय जैसे माउंटेनियस एरिया को क्रॉस करके जाके तिब्बत में अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने में, क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट डीप चाइना में मेन लैंड में जाके अपने ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाए।
पाएगा, क्योंकि चाइना के मेन लैंड में जाने के लिए उस फाइटर जेट की जो कॉम्बैट रेडियस है वो 6000 किलोमीटर का होना चाहिए, जो कि पूरी दुनिया में किसी भी फाइटर का नहीं है। जहां तक बात है F-35 के कॉम्बैट रेंज की, तो इसकी कॉम्बैट रेंज वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया में, अगर आप सिंगल इंजन फाइटर के लिहाज से देखते हो तो। या फिर आप चलो इसके कॉम्बैट रेंज को आप राफेल से कंपेयर कर लो, तो इसके कॉम्बैट रेंज और राफेल के कॉम्बैट रेंज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। राफेल का कॉम्बैट रेंज या फिर कॉम्बैट रेडियस 1800 किलोमीटर का है, वहीं पे 35 का कॉम्बैट रेडियस 1400 किलोमीटर का है। अगर आप इसे कंपेयर करते हो सुखोई 230 MKI के कॉम्बैट रेडियस से, इसका कॉम्बैट रेडियस मतलब F-35 का कॉम्बैट रेडियस सुखोई 230 से भी ज्यादा है, जो कि 1300 किलोमीटर है। तो उस लिहाज से भी किसी भी डबल इंजन फाइटर जो कि अभी इंडिया के पास है उससे इसका कॉम्बैट रेडियस ज्यादा है। बात करते हैं इसके मेंटेनेबिलिटी की, तो जैसा कि आप सब जानते होंगे सिंगल इंजन फाइटर्स को मेंटेन करना काफी आसान है कंपेयर टू किसी भी ट्विन इंजन फाइटर को। हालांकि अगर आप इसको मेंटेनेंस के लिहाज से राफेल से कंपेयर करते हो तो ये काफी पीछे है, क्योंकि राफेल का मेंटेनेंस सबसे आगे रखा जाएगा क्योंकि उसे मॉड्यूलर अप्रोच के थ्रू मैन्युफैक्चर किया गया है, तो उसके मेंटेनेंस किसी भी ट्विन इंजन फाइटर के लिहाज से सबसे आगे है। अब बात करते हैं F-35 को लेके किए जाने वाले तीसरे क्रिटिसिज्म के ऊपर। को लेके जो तीसरा क्रिटिसिज्म किया जाता है वो किया जाता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी कस्टमाइज इंटीग्रेशन US अलाउ नहीं करेगा, जैसे कि इंडिया के वेपन्स एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड वेपन्स, चाहे वो ब्रह्मोस या फिर कोई भी इंडियन BVLAM मिसाइल हो। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को लेके काफी क्रिटिसिज्म है कि US अलाउ नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा गया है कि अगर आप US के क्लोज एलाई हो तो उसने सोर्स कोड शेयर किया है, और हाल ही में इसराइल ने अपने F-35I पे इसराइल का कस्टमाइज EW शूट और डिफरेंट डिफरेंट तरह के एवियोनिक सिस्टम इंटीग्रेट किए हैं। पहले तो वो EW शूट प्लग इन मोड में था, लेकिन अब उसे कंप्लीट अथॉरिटी दे दी गई है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से, और सोर्स कोड शेयर कर दिया गया है। तभी वो प्लान कर रहे हैं कि अब इजरायली एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स F-35 के कस्टमाइज वर्जन पे, जो कि इजरायल के लिए था, उस पे वो इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर US किसी पे ट्रस्ट करता है तो वो उसको इसके सोर्स कोड जरूर शेयर करेगा। तो इस पॉइंट पे हम इस चीज को सीरियस खारिज कर रहे हैं कि F-35 पे किसी तरह का कोई अदर मिसाइल या फिर अवियोनिक सिस्टम इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो टेक्निकली हो सकता है अगर आपके पास सोर्स कोड शेयर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा, तो। और कोई भी कंट्री जो कि फाइटर जेट डेवलप कर रही है वो भी इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करके, इतने सारे डॉलर इन्वेस्ट करके, तो वो कहीं ना कहीं चाहेगी कि वो अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट इंटरसेप्शन प्रूफ और हैक प्रूफ बनाए। तो सोर्स कोड को शेयर करना एडवांस टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी क्रिटिकल हो जाता है, जो कि इस पे इंटीग्रेट किए जाने वाले वेपन को हैक प्रूफ और इंटरसेप्शन प्रूफ बनाएंगे। और इसकी जो चौथी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म थी वो इसके प्राइस को लेके थी और इस पे इन्वेस्टेड टाइम को लेके थी। अगर आप प्राइस और टाइम की देखोगे तो हमने भी तो वही किया, 2200 करोड़ रुपए कावेर इंजन में इन्वेस्ट किए, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे एग्जांपल इसलिए लिया गया है क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के टेक्नोलॉजी डेवलप करने में टाइम और प्राइस जाता है, और वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें इंप्लीमेंट की जा रही है जो कि जो बाकी के देश हैं वो इस टेक्नोलॉजी को 2030 में डेवलप कर रहे होंगे, तो वही टेक्नोलॉजी अब F-35 में अवेलेबल है। तो इस तरह के एडवांस और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलप करने में टाइम और मनी तो जाता ही है। जहां तक बात है इसके कॉस्ट की, तो अगर इसे मास प्रोड्यूस किया जाएगा और हाल ही में रिलीज किया गया एक प्राइसिंग स्पेकुलेशन की माने, जो कि इसकी प्राइसिंग 2022-21 तक $80 मिलियन की जाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की प्राइसिंग अगर आती है जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी फाइटर जेट को प्रोक्योर करने की थिंकिंग रख पाएगी। बात करते हैं इसके फ्लाइट कॉस्ट की, तो जी हाँ दोस्तों, मैं मानता हूँ कि इसकी फ्लाइट कॉस्ट हाई है, और हाई होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इसका जो इंजन है वो 125 किलोमीटर का थ्रस्ट दे रहा है आपको। वहीं पे आप इसे राफेल से कंपेयर करते हो तो राफेल भी आपको इससे कम का ही थ्रस्ट दे रहा है। अगर आप राफेल के पर फ्लाइट कॉस्ट को F-35 के पर फ्लाइट कॉस्ट से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वेलेंट ही है। अब बात कर लेते हैं F-35 के स्टेल्थ कैरेक्टर की, तो इसके स्टेल्थ कैरेक्टर को लेके भी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था कि Su-35 के रडार ने 90 किलोमीटर दूर पकड़ लिया था, और ये चीज दर्शाता है कि इसकी जो RCS वैल्यू है वो 0.001 मीटर स्क्वायर थी। तो अगर 90 किलोमीटर दूर पकड़ लिया था तो अगर आप देखोगे कि ये कितना वल्नरेबल है, तो उस लिहाज से अगर ये किसी एयरक्राफ्ट के 90 किलोमीटर नजदीक जा रहा है तो उस एयरक्राफ्ट के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा, क्योंकि F-35 पे कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं जिसकी रेंज 150 किलोमीटर प्लस है। दूसरी तरफ दुश्मन F-35 को 90 किलोमीटर अंदर आने से रोक नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से दुश्मन के रडार पे आने से पहले ही उसको मारने में सक्षम होगा। तो ये जो क्रिटिसिज्म है इसके स्टील्थ कैरेक्टर को लेके, उसे कतई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर्स की जो कि F-35 को अगले 10 सालों में सबसे आगे रखने वाला है, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बाकी के देश 2030 के बाद डेवलप कर रहे होंगे, वो अभी ही F-35 में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अटैक की, और उसमें भी बात करेंगे इसमें लगाया गया EW सिस्टम की, जो कि काफी एडवांस है, और इसके अवियोनिक्स को लेके YouTube पे काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया हुआ है कि इसके अवियोनिक्स एडवांस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा इसके अवियोनिक्स सबसे एडवांस है, जो कि एनिमी के फोर्सेस को रेडार्स को 95% प्लस एक्यूरेसी से जैम और डिसरप्ट करने में सक्षम है। और इसके चारों तरफ दिया गया है इंफ्रारेड सेंसर्स,
जो कि सिर्फ पायलट के हेड मूवमेंट से F-35 की जो दीवार है उसको क्रॉस करके जो 360 व्यू है वो पायलट के हेलमेट पे लाने में सक्षम है, और ये जो डेटा का ट्रांसफर है ये नैनो सेकंड्स में F-35 में होने में पॉसिबल है। बात करते हैं एयर टू सरफेस मोड में, तो एयर टू सरफेस मोड के लिहाज से इसका जो ईसर रडार है वो F-22 से भी एडवांस है, जो कि इसको 270 डिग्री का कवरेज प्रदान करता है, जो कि पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट है। बात करते हैं एयर टू एयर मोड की, अगर एयर टू एयर मोड की बात करो तो इसका जो फ्रंटल RCS है वो इक्विवेलेंट है F-22 के। F-22 का जो फ्रंटल RCS है वो 0.0001 मीटर स्क्वायर है और उसको मैच करता है अपने फ्रंटल RCS में F-35 भी। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा किसी भी एयर टू एयर कॉम्बैट में जो फ्रंटल RCS है उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जो दुश्मन के फाइटर जेट के रडार्स होते हैं वो आपको फ्रंट से डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो इस तरह के कंडीशंस में F-35 सुपीरियर साबित हो सकता है। बात करते हैं इसके ISR मोड की, मतलब इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉग्निशन जो मोड है उसमें F-35 किस तरह से अपने बाकी के कंटेम्प्रेरी फाइटर जेट से एडवांस है। तो इसके इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉग्निशन मिशंस को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे एडवांस स्टील्थ सेंसर्स और डेटा फ्यूजन का उपयोग किया गया है, जो कि स्टील्थ के साथ कोएलिशन करके और तकरीबन 8 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम जो कि 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी टारगेट को ट्रैक और अटैक करने में, चाहे वो काइनेटिक मीन से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन से हो। तो इस तरह के सेंसर्स और डेटा लिंक का कोएलिशन ISR मोड में इसको हर तरह के ऑपरेशंस के लिए सुपीरियर बनाता है। अब बात करते हैं इसके इंटरऑपरेबिलिटी की, तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है, कि किसी भी फाइटर जेट की वो कैपेबिलिटी कि वो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे डेटा को एक जगह गैदर करके किसी मिशन को लीड कर पाए। तो जी हाँ दोस्तों, चाहे वो डेटा सैटेलाइट से आ रहा हो, नेवी शिप से आ रहा हो, नेवी रडार से आ रहा हो या फिर ग्राउंड रडार से आ रहा हो, तो हर तरह के डेटा को रिसीव करने की जो कैपेसिटी है एक नेटवर्क में वो F-35 में फिलहाल अभी दे दी गई है, जो कि बाकी के फाइटर्स के कंटेम्प्रेरी है उसमें अभी नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए F-35 इंटरऑपरेबिलिटी के लिहाज से सबसे आगे है। तो इस तरह के किसी भी एयरक्राफ्ट को डेवलप करना जिसमें इतने सारे सेंसर्स पैकेज डेटा लिंक्स का यूज हो रहा हो तो कहीं ना कहीं टाइम तो जाता ही है, क्योंकि ये फाइटर जेट कहीं ना कहीं 5th+ जनरेशन की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि आने वाले दिनों में फ्यूचर में डेवलप किए जाएंगे। तो ऑल इन ऑल इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि F-35 का जो क्रिटिसिज्म है, हाँ वो मानते हैं कि कुछ हद तक सही भी है क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम और पैसा गया है और आउटपुट उस प्रकार का नहीं है, लेकिन जो भी आउटपुट है वो F-35 को जो बाकी के देशों के पास अभी फाइटर्स हैं या फिर आने वाले हैं उनसे इसे आगे रखता है, और इंडिया के लिहाज से भी ये कंपैटिबल बैठेगा अगर IAF आने वाले दिनों में इसे प्रोक्योर करने की प्लानिंग करती है। तो वैसे तो IAF के पास ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये था F-35 के ऊपर हमारा एक छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।